हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड या मजदूर कार्ड, जिसको हम बोलते हैं, कैसे आप बनवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने अपने वेबसाइट पर इस पोर्टल को शुरू कर दिया है कि आप अपने घर बैठे अपने जो लेबर कार्ड है, मजदूर कार्ड या श्रमिक कार्ड जिसको बोलते हैं, वो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आई एम समीर एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज लेके आएंगे, आपके पास पहुंचेगा फास्ट एंड फ्री। तो चलिए, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे, और वहां से हम पूरा डिटेल्स आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप करके कि आप किस तरह अपने लेबर कार्ड या अपने जो जॉब कार्ड होते हैं या जो होता है श्रमिक मजदूर कार्ड, वो आप कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए पहले हम आपको एक डॉक्यूमेंट्स बता दें कि कौन सा आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास। इसके लिए आपके पास नंबर वन में आपका जो आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नंबर दो में आपका मोबाइल नंबर अनिवार्य है, और दो चीजें आपके पास उपलब्ध है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, वहां से पूरी जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने का सिंपल सर्च बार में जाना है, और सर्च बार में जाकर सिंपल आपको टाइप कर देना है लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं लेबर रजिस्ट्रेशन ही टाइप कर दूंगा, तो आ जाएगा लेबर रजिस्ट्रेशन टाइप करके। उसके बाद आपको सर्च आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जो दो नंबर पर दिखे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेबसाइट, देख लीजिए फ्रेंड्स कि labor.vis.nic.in एंड लेबर डिपार्टमेंट है या नहीं है, देख के आप ओपन कीजिएगा। सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा इसके आप ऑफिशियल साइट पे आ जाइएगा, जहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ आपको दिखाई देगा श्रमिक पंजीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल आपको श्रमिक पंजीकरण पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर वन, श्रमिक पंजीकरण, नंबर टू श्रमिक लॉगिंग, और नंबर तीन पे आधिकारिक लॉगिंग। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपका पंजीकरण तो हुआ नहीं, तो सिंपल आपको श्रमिक पंजीकरण पे क्लिक कर देना है। जैसे श्रमिक पंजीकरण पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा, आपका आधार नंबर, आपका नाम, जैसा आधार कार्ड में देखिए फ्रेंड्स आधार पर दिया गया नाम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका पिता का नाम, उसके बाद आपका आधार नंबर, और आपका जन्म तिथि, आपका लिंग, आप पुरुष है या महिला, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चुनना है कि आपकी शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, मैरिड है कि अनमैरिड, तो अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा, अब मैरिड तो मैरिड। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल के OTP पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, OTP भेजे पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। OTP जब क्लिक कीजिएगा तो OTP आपको मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। OTP जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ OTP फिल करने का जगह मिलेगा, OTP आपको फिल करके उसके बाद सिंपल आपको सत्यापित पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं सत्यापित पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो OTP हमारा सत्यापित हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, OTP सत्यापित होने के बाद आपको यहाँ रजिस्टर कर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आप एक पॉपअप हरा कलर का आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के और लॉगिन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर क्या मिलेगा, OTP दर्ज करें तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जैसा कि आया है OTP आएगा, OTP फिल करके उसके बाद आपको OTP जांच करें पे आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स मैंने OTP फिल कर लिया है, आपको सिर्फ अब क्या करना है, OTP जांच करें, सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे ही OTP जांच कर पे क्लिक कीजिएगा, सफलतापूर्वक आप लॉगिन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरी जानकारी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना नाम दिखाई दे देगा। सिंपल आप इसको डेस्कटॉप साइट पे कर सकते हैं, मेरा डेस्कटॉप साइट पे है। उसके बाद आपको यहाँ आपका नाम दिखाई देगा, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम आपको यहाँ फिल करना होगा, तो मैं माता का नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स आपका माता का नाम डालने के बाद, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए माँ का नाम डालने के बाद आपको यहाँ आपका जन्म तिथि दिखाई दे देगा, लिंग दिखाई दे देगा, आधार नंबर दिखाई दे देगा। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, तो ST, ST, OBC,
तो बीसी आप सिलेक्ट करें जिस कैटेगरी से आप हैं। उसके बाद आपको फिर क्या करना है फ्रेंड्स, भरने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको देखिए दो नंबर स्टेप पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद अपना जिला, उसके बाद आपका तहसील, पंचायत, उसके बाद ग्राम और उसके बाद पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद सिंपल आपको फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं अपना पता भर लिया, उसके बाद आपको जिला, यहाँ से अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं पश्चिम चंपारण से हूँ, तो मैं यहाँ पश्चिम चंपारण सिलेक्ट कर लेता हूँ। पश्चिम चंपारण जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपका तहसील सिलेक्ट कर लेना है। तहसील का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ब्लॉक, आप किस ब्लॉक में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद, या आप नगर निगम से हो तो नगर निगम या नगर पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से आपका वार्ड नंबर या पंचायत आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने गांव का या मोहल्ला का नाम लिख देना है, किस मोहल्ला में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख दिया, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लिख देना है, तो मैं यहाँ अपना पिन कोड फिल कर देता हूँ। पिन कोड फिल करने के बाद आपको देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दिया है। उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दो और तीसरा स्टेप में अभी फिलअप कर रहा हूँ, चार स्टेप में आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछेगा, देखिए फ्रेंड्स, योग्य विवरण, क्या आप साक्षर हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यस यानी साक्षर, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप निरक्षर, तो आप साक्षर हैं, तो साक्षर पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे साक्षर पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको देगा ऑप्शन, एक ओपन होगा यहाँ पे कि देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी ओपन हुआ है कि अगर साक्षर है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने पढ़े हुए हैं, तो मैट्रिक पास है या मैट्रिक से कम है, या इंटर है, ग्रेजुएशन है, या आपके पास हायर एजुकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैट्रिक पास नहीं है तो आप सिंपल बिलो मैट्रिक आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि क्या आप बिहार सरकार के किसी विभाग से संबंधित है, यानी बिहार विभाग में किसी काम करते हैं, तो करते हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दिखाई देगा कार्य स्थान का पता, आप कहाँ काम करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, बिहार में काम करते हैं कि राज्य से बाहर, कि देश से बाहर, आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बिहार में सिलेक्ट करिएगा तो आपको बिहार का डिटेल्स पूरा फिल करना होगा। अगर आप यहाँ पे राज्य से बाहर सेलेक्ट कीजिएगा तो किस राज्य में काम करते हैं, यहाँ से अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताने के लिए मैं यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद जिला से मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तहसील, जो जहाँ आप काम करते हैं किस तहसील के अंतर्गत आता था, उसके बाद आपका जो गांव था, मोहल्ला था, वो कौन सा था, तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं डाल के, देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम डाल दिए, और उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि राज्य से बाहर काम करने अकेले गए थे या परिवार के साथ गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अकेले गए थे तो अकेले, अदरवाइज आप परिवार के क्लिक कर सकते हैं। तो अकेले गए थे तो अकेला सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर परिवार सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपको परिवार पे आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अकेले, उसके बाद आपसे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जाएगा आप साल में कितनी बार बाहर जाते हैं काम करने के लिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो मैं यहाँ रेंडमली चार बार सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा फ्रेंड्स, क्या आप काम करने स्वयं जाते हैं या ठेकेदार के माध्यम से जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप ठेकेदार कीजिएगा तो आपको ठेकेदार का विवरण यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं स्वयं पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं ही जाता हूँ काम करने के लिए, किसी ठेकेदार के माध्यम से नहीं जाता हूँ। उसके बाद आपको मिलेगा कि आप कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हैं तो यस, अदरवाइज नो, तो नहीं, मैं नहीं जुड़ा हूँ तो नो पे आपको क्लिक कर दूंगा। क्या आपका ईपीएफ खाता है, तो नहीं है ईपीएफ खाता। उसके बाद ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आप किस प्रकार का काम करते हैं, तो काम आप सेलेक्ट कीजिएगा, किस प्रकार का काम करते हैं, तो दैनिक मजदूरी आपको हमेशा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी मासिक आय कितनी है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जिस हिसाब से आपका मासिक आय होगा, इन एक महीने में कितना कमा लेते हैं, वहीं आपका मासिक आय होता है। सिंपल आपको मैं 15,000 से कम डालता हूँ कि मैं इतना ही पैसा कमा लेता हूँ। अब आता है मेन पॉइंट फ्रेंड्स, कि क्या आप काम क्या, यानी क्या काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे इसमें देख लीजिएगा, काम को लिस्ट आप में दिखाई देगा आपको, तो यहाँ से जो आप काम करते हैं उस काम को देख लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद
चलिए मैं यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे निर्माण कामगार, देखिए फ्रेंड्स निर्माण कामगार ही सिलेक्ट कर दूंगा, या चलिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप जिस काम को जानते हैं या करते थे वही काम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए मैं कौन सा सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फ्लैश फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वेल्डिंग या कपड़ा धोना, या चलिए मैं ईंट भट्टा मजदूर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ताकि सब कोई जान सके। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको कार्य का कुल कितने वर्षों का अनुभव है, कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं आपको यहाँ बताना होगा। चलिए मैं यहाँ पे 2 वर्ष डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा 2 वर्ष डालने के बाद आपको महीना डालना हो तो महीना में अगर नहीं पता है तो आप 0 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स देखिएगा, अतिरिक्त जानकारी, क्या आपसे आपके पास किसी अन्य प्रकार का हुनर है यानी स्किल है, तो अगर है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप किस प्रकार का हुनर सीखना चाहते हैं, किस प्रकार का हुनर सीखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मैं यहाँ पे कढ़ाई करना चाहता हूँ, या चाहे मैं यहाँ पे कंप्यूटर चलाना चाहता हूँ, या मैं वायरिंग करना चाहता हूँ, या मैं विद्युत का काम करना, जो आपकी इच्छा हो कि हमको ये सीखना है तो ये सीखना पे आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ डाल देता हूँ, चलिए मैं इलेक्ट्रीशियन डाल देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं इलेक्ट्रिकल डाल देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फिर कि काम के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है, तो आप मजदूर हैं तो प्रशिक्षण कहाँ से लिए, तो नहीं लिए होंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यस कीजिएगा, तो यस करने के बाद आपको यहाँ पे यदि है तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आप आईटीआई पॉलिटेक्निक या अन्य आप दे सकते हैं, तो मजदूर हैं तो नहीं करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ आप रोजगार करना चाहते हैं या स्वरोजगार, मतलब आप रोजगार करना चाहते हैं या अपना ही काम करना चाहते हैं, तो आप रोजगार पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फ्रेंड्स सेव का बटन। तो अब आपको क्या करना है, सेव करने से पहले आप पूरा डिटेल्स अपना जाके बारी बारी से आप चेक कर लीजिएगा कि पूरा डिटेल्स आपका सही है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको आना है लास्ट में और फिर सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा आप पंजीकरण विवरण सबमिट कर रहे हैं, तो यस यानी हाँ ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओके पे आप क्लिक कीजिएगा आपको थोड़ा वेट करना होगा और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, सफलतापूर्वक जानकारी जोड़ दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो सफलतापूर्वक जानकारी जोड़ दी गई है सिंपल आप ओके पे क्लिक कर देना होगा। इसके लिए आपके कोई जो मतलब जो होता है जैसे आईडी वाईडी, कुछ आईडी आपको नहीं मिलेगा, आपको ईमेल पे जो ईमेल डाले होंगे और मोबाइल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ से आप क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए आपके जो नाम पे क्लिक कीजिएगा, और नाम पे क्लिक करने के बाद आपको देख लीजिए आपका प्रोफाइल मिलेगा, आपका वॉलेट मिलेगा और सेटिंग मिलेगा, और सिंपल आपको यहां से लॉग आउट हो जाना है। तो यहां से सिंपल हम लॉग आउट हो जाते हैं। आप अपना मेल और अपना जो मोबाइल नंबर है हमेशा चेक करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, अगर आपको किसी प्रकार का ऑनलाइन करने में अगर आपको कठिनाई को फेस करना पड़ता है, यानी अगर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सलाह देंगे कि अगर आपका रिप्लाई अगर चाहते हैं आपकी जल्दी आपको रिप्लाई मिले, तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लेना होगा, ताकि वहां से आपके लिए जो हम अपडेट दें वो तुरंत आपको जो कमेंट का रिप्लाई मिल सके। दोस्तों एक बात बता दें, जो हम अभी वेबसाइट बताए हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, वहां से इस लिंक पे आप डायरेक्ट उसके ऑफिशियल पेज पे जा सकते हैं, जहां से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।